आज लोकतंत्र के नाम पे काला दिवस है, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री भारत के किसी भी राज्य में जाते हों और वहाँ अपने लोगों से मिलने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसा कि प्रसंग है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी अपने लगभग 10 मंत्रियों के साथ, जिसमें सज्जन वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, हर्ष यादव जी, उमंग सिंगार जी, सचिन यादव जी, तरुण भानोत जी, लखन यादव जी, तमाम मंत्रीगण वहाँ जब गए थे अपने विधायकों से मिलने, तो उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी शर्मनाक घटना है इस प्रजातांत्रिक देश में कि जब भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार कर्नाटक में वहाँ पर है, उन्हें मिलवाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो नहीं मिलवाया जा रहा है? बड़े दुख का विषय इस बात को लेकर कि कोई अगर भाई दूसरे भाई से मिलना चाहता है, उसे बुराई किस बात की है? वैचारिक लड़ाई हो सकती है किसी बात को लेकर, परंतु इस तरीके से आतंक फैलाकर, जिस तरीके से आज उनको टांगा टोली कर किया गया, दिग्विजय सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई, मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की की गई पुलिस द्वारा, वह अशोभनीय घटना है। हम देवास कांग्रेस के सभी समस्त साथीगण उसकी निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करने आज हम आए। देवास कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और सभी मंत्रियों की रिहाई की जाए और उन्हें, जो हमारे 16 विधायक वहाँ कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्हें तत्काल उनसे मिलवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। आप लोगों की मांगे मिलने नहीं दिए जा रहे हैं लगातार, लेकिन उन विधायकों के वीडियो आ रहा है और कह रहा है कि मिलना नहीं चाहते और हम स्वतंत्र हैं, क्या कुछ आपका कहना? देखिए, अभी आप वीडियो मेरा ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आप ले रहे हैं मेरा वीडियो, ऐसे मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बात करते? सिंगल सिंगल वीडियो का मतलब क्या होता है? आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, कनपट्टी पे तलवार रखकर, रिवाल्वर रखकर धमका कर ये किया जा रहा है। ये घोर निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। आपका आरोप है कि जोर जबरदस्ती से वीडियो बनवाया? निश्चित रूप से। उन्हें कौन ले गया? उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके गए, उमाशंकर गुप्ता जी, अरविंद भदौरिया जी, उनके इस्तीफे कौन लेके आया है? ये सब आपको पता है। ये पूरा भारत का एक नागरिक समझ रहा है कि वास्तविकता क्या है, कहाँ हाउस ट्रेडिंग हो रही है, किस तरीके के पैसों का लेन देन हो रहा है। ये कोई प्रजातंत्र में स्वीकार करने योग्य कभी नहीं हो सकता। सरकारें आएगी जाएगी, परंतु प्रजातंत्र की मूल्यों की रक्षा करना हम सब राजनीतिकों का परम कर्तव्य बनता है। और ऐसे में जब मोदी जी आंख मूंद के बैठे हो, तो हम राष्ट्रपति से गुहार करने आए, कोई चिंता की बात नहीं। हम सब कांग्रेस जन संघर्ष करते आए, पहले भी 15 साल संघर्ष किया है, फिर संघर्ष करने को तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, वह अशोभनीय है। ठीक है भैया।